हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअस। आज के सेशन में कुछ अर्थमेटिक के प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्री 2018 को टारगेट करके बनाया गया है। इसका एक पार्ट में पहले दे चुका हूँ, ये सेकंड पार्ट है। और इसमें जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो 2016 प्री के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। चलो सेशन शुरू करते हैं, देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट Which among following is the best transaction? ये जो दे दिया आपको, ए में दिया, जैसे ये क्या दिया, कॉस्ट प्राइस है आपकी 36 रुपए और प्रॉफिट हो रहा है 17 रुपए का। दूसरे में दे दिया आपको कॉस्ट प्राइस दे दी 50 रुपए और प्रॉफिट हो गया आपको 24 रुपए का। तीसरे में दे दी कॉस्ट प्राइस 40 रुपए और प्रॉफिट है 19 रुपए। और चौथे में कॉस्ट प्राइस 60 और प्रॉफिट 29। आप इन सब में देखेंगे कि जो प्रॉफिट है वो 50% से एक कम है। 36 का आधा 18, 18 में से एक कम 17, और ये वो ही सब में चला है 60 का आधा 30, 30 में से एक कम 29। मतलब एक सीक्वेंस मेंटेन की है, एक लॉजिक है पूरे क्वेश्चन में। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो जो सबसे बड़ी संख्या है उनमें, जैसे सबसे बड़ी या कौन सी हुई, डी वाली हुई, वो ही सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली होगी। क्योंकि जो प्रॉफिट हुआ है, जैसे जैसे ये वो संख्या बड़ी होती जाएगी, एक कॉस्ट प्राइस यहां क्या था 60 था और 60 के ऊपर 29 का फायदा है। अगर ये चीज आपके समझ में नहीं आ रही हो तो अपने दो इसमें कर लेते हैं, सबसे कम और सबसे ज्यादा, तो ऑब्वियस है ट्रेंड उस तरफ ही जाएगा। तो इसमें परसेंटेज प्रॉफिट क्या आएगा, अगर मैं परसेंटेज प्रॉफिट निकालूं तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 36 है, प्रॉफिट 17 है, तो 17 रुपए का प्रॉफिट है और कितने रुपए पे है 36 पे। परसेंटेज निकाल ली है, 100 से गुणा कर लीजिए। अब अगर मैं इसको करूं तो ये आपका आ गया, 4 से काटूंगा तो 25 आ गए और ये 4 से काटूंगा तो 9 आ गए। अब 25 को 17 से आप गुणा करोगे तो 25 को 10 + 7 ले लो, तो 10 × 25 = 250 और 25 × 7 = 175, तो 250 और 175 = 425, 425 / 9, तो 9 × 4 = 36, 65, 9 × 7 = 63, 2 बच गए 0, 9 × 2 = 18, ये 2 ही बचते गए, 47.22% प्रॉफिट। अब लास्ट वाला निकालो परसेंटेज प्रॉफिट, तो इसमें क्या है, 29 रुपए का प्रॉफिट है, 60 रुपए की लागत है। लॉस और प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलेंगे, सेल प्राइस से उनका कोई लेना देना नहीं, सेल प्राइस से आपका प्रॉफिट निकलेगा। कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस का डिफरेंस है वो प्रॉफिट या लॉस है, लेकिन वो निकलेगी हमेशा, क्योंकि आपकी लागत क्या है, आप घाटा या नफा किस पे फैलाएंगे, जो आपने पैसा लगाया, वो पैसा लगाया वो कॉस्ट प्राइस है। तो इसमें आप देखोगे तो ये कट गया आपका, ये हो गया 3 और ये हो गया 5। 29 को 5 से करने के लिए क्या करें, इसको 30 माइनस, वैसे अगर आपको डायरेक्ट पता तो ठीक है 20 × 100 = 45, अगर नहीं है तो भले ही आप इसको 30 - 1 कर लो, 30 को 5 से करोगे 150, 150 में से 5 वापस घटाओगे तो 145, तो 145/3। अब आप इसको देखो 3 × 4 = 12, 2 बच गए 25, 3 × 8 = 24, 48, मतलब ये 48.33% हो गए। तो आपका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, तो जो संख्या बड़ी होगी उसका इसमें प्रॉफिट ज्यादा आएगा, क्योंकि जो प्रॉफिट हो रहा है वो तो आधा रहा है, आधे से एक कम हो रहा है, और इसकी सीलिंग होगी 50% से, ये हमेशा ही लेस होगा, 50 से ऊपर इस तरह का जो लॉजिक आपके पास होगा, आप कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिए, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट है वो इससे आधे से ज्यादा है, सॉरी कम है, तो ये इसका इसकी वैल्यू 0.5 से हमेशा ही कम रहेगी, 0.5 से भले मामूली सी कम हो बट वो कम ही रहेगी, और जितना आप इसमें नीचे जाते जाएंगे तो ये घटती जाए, ऊपर ये बढ़ती जाएगी। तो इस तरह क्वेश्चन फॉर्चुनेटली अगर मिल जाए तो इसमें 100 लिंक करें और डी को टिक कर दें। नेक्स्ट देखिए, द मिल्क एंड वाटर इन टू वेसल्स एंड बी आर इन रेशियो 4:3 and 2:3 रेस्पेक्टिवली, इन व्हाट रेशियो द लिक्विड्स इन बोथ द वेसल्स वर मिक्स्ड टू ऑब्टेन ए न्यू मिक्सर इन वेसल सी कंटेनिंग हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर। हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर का मतलब रेशियो 1:1 हो गया। तो ये एक वेसल है आपका ए, जिसमें मिल्क और वाटर का क्या है रेशियो 4:3, और ये दूसरा कोई बी है और इसमें है
मिल्क एंड वाटर 2:3, और एक कोई सी वेसल है जिसमें मिल्क एंड वाटर इन दोनों में ही से ही लेना है, कुछ इसमें से लेना है और कुछ इसमें से लेना है, और मिल्क एंड वाटर का रेशियो हो जाएगा 1:1। ये सही हो गया। तो कितना कितना ले, तो ये एलिगेशन रूल से करो, बाकी और भी कई तरीके हो सकते हैं, बट एलिगेशन रूल आई थिंक बहुत बढ़िया है इसके लिए। तो किसी पे भी लगा लो, एलिगेशन एक पे लगेगा, भले मिल्क पे लगा लो या वाटर पे लगा लो। जैसे मैं मिल्क पे लगाऊं तो यहाँ मिल्क की क्वांटिटी कितनी है, पहले मैं अगर मैं देखूं मिल्क, तो इसमें मिल्क हो गया 4/7, भी 4 पार्ट है और टोटल पार्ट 7 है। यहां अगर मिल्क आप देखेंगे तो 2/5, और यहां मिल्क देखेंगे तो 1/2। अब एलिगेशन रूल लगा दो, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी वेसल हो गया। तो ए से आप ये 4/7, ये आपका 2/5, और ये हो गया आपका 1/2। तो इनमें एक 1/2 से छोटा है, एक बड़ा है, तो ये आपको दिख रहा है कि ये 0.4 है तो ये छोटा है तो ये बड़ा। अब इसमें 1/2 - 2/5 आप करेंगे, 1/2 - 2/5, तो इन दोनों को 10 बना लो। 10 बनाने के लिए आराम से हो जाएगा, 10 अगर मैं बनाऊं इसको तो ये ऊपर 5 से गुणा, दोनों तरफ 5 से गुणा करना पड़ेगा, और इसको 2 से, तो 5 - 4 1/10, तो ये तो 1/10 बच गया, और ये क्या हो जाएगा 4/7 - 1/2। इसको अगर मैं 14 बनाऊं नीचे एलसीएम को, तो ऊपर नीचे किससे गुणा कर दूं, इसको ऊपर नीचे 2 से कर दूं तो ये हो गया 8, और इसको 7 से कर दूं तो ये हो गया 7 - 8 - 7 - 1/14। तो रेशियो क्या आ गया आपके क्वांटिटी का, ए और बी से जो लेंगे उसका रेशियो आपका आ गया 1:1/10 रेशियो 1/14। ये आपका ए और बी से जो आप क्वांटिटी लेंगे उनका रेशियो आ गया। अब इस तरह के क्वेश्चंस में आप करके देखोगे तो भी वही आएगा, आप पे जब 1/something दोनों में आ रहा है तो इसको उलट कर दो, वही आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 14:10 और या 7:5, 7 और 5 को इसमें टिक कर दो। वैसे आप इसको करके भी देखेंगे तो ये क्या आएगा, a/b = क्या हो गया 1/10 और बटा 1/14। तो 1/10 × 14/1 ये हो गया 5 और ये हो गया 7, वही 7/5 मैंने निकाला, वही 7/5। बट इतना नहीं करके आपको जैसे ये दिखे उलट कर दीजिए, 14 को यहां ले जाइए, 10 को आप यहां ले जाइए, वही इसमें आएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ द व्हील ऑफ ए बाइसिकल मेक्स 560 रेवोल्यूशन इन ट्रेवलिंग 1.1 किलोमीटर, व्हाट इज इट्स रेडियस, यूज π = 22/7। इसमें आपको क्या दिया है, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये कोई एक साइकिल है, इस साइकिल का जो टायर है उसकी रेडियस आपसे पूछी है उसने, ये आर क्या है ये आपको निकालनी है, और उसने क्या दे दिया, तो साइकिल का एक चक्कर जब चलेगा, जो पॉइंट यहां था वो मान लो यहां आया, और फिर ये इस तरीके से जैसे चल रही है, तो इसकी जो पूरे सर्कमफेरेंस जितनी भी लंबी होगी तब एक साइकिल कंप्लीट होगा। एक साइकिल कंप्लीट में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल होगी उसकी सर्कमफेरेंस के इक्वल है, और सर्कमफेरेंस क्या होती है 2πr, तो 2πr एक चक्कर में 2πr डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी। अब वो कह रहा है 560 रेवोल्यूशन में, तो 560 × 2πr = कितना है, और 560 में वो कितनी चली जाती है 1.1 किलोमीटर। तो अगर पूरा आपका 1.1 किलोमीटर को आप मीटर बना लीजिए, सेंटीमीटर बना लीजिए, क्योंकि नीचे आपका सेंटीमीटर में है तो आप ले डायरेक्ट सेंटीमीटर बना लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 1100 तो आ गया आपका मीटर, और 100 से और गुणा कर देंगे तो सेंटीमीटर, अब ये आपका डायरेक्ट सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो 560 × π की वैल्यू रख दो 22/7 × r = 1100 × 100। अब इसके अंदर आपकी एक सिफर, तो आपकी इसकी एक सिफर से कट गई, इसको आप काटोगे 7 × 2 = 56, और 22 से अगर मैं ये काटूं तो 22 × 5 = 110, ये आ गया 50, और आगे अब क्या कट सकता है इसमें, इस 2 से अगर मैं काटूं तो ये हो गया 5, और 8 को अगर करो आप 4 तो ये हो जाएगा आपका 25, तो ये आ जाएगा r = 125/4। तो 125/4 का क्या हो जाएगा 31.25, तो 31.25 सेंटीमीटर देख लो इसमें, ऑप्शन पहला ही ऑप्शन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैच्योरेशन वाले जो आएंगे आपके वो बड़े
आसान से लेवल के आते हैं, 2D वाले ज्यादा आते हैं, बाकी 3D का भी आए तो कुछ सर्टेन फॉर्मुलेज है, वो जरूर आप एक बार एग्जाम में जाने से पहले भी उनको रिमाइंड कर लेना, थोड़ा रिमाइंड कर लेंगे तो वो याद रह जाएंगे। तो मेनली आपके जैसे स्क्वायर, क्यूब, रेक्टेंगल, आपका ट्राइंगल, स्फेयर, कोन, इनके एरियाज के, सरफेस एरियाज के, वॉल्यूम के, इनके कुछ फॉर्मुलेज है जो जरूर याद होने चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन करने लायक होता है। नेक्स्ट देखिए, ए फोर्ट हैज प्रोविजन ऑफ फूड ऑफ 460। ये फोर्ट से रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन आता है, जब वो कहता है कि उसमें 60 दिन का खाना है, तो 60 दिन के खाने का मतलब उसमें कुछ आदमी है, आदमी औरतें जो भी कुछ उसमें पब्लिक है, और मतलब वो उसमें जिस भी फॉर्म में हो सकते हैं, और उनका 60 दिन का खाना है। उसमें सोल्जर्स भी हो सकते हैं, वो कह सकते हैं कि एक फोर्ट है जिसमें उनके सैनिकों के लिए 60 दिन का खाना है, वो सोल्जर्स हो गए। तो 60 दिन का खाने का मतलब कुछ संख्या है वहां व्यक्तियों की, और वो 60 दिन तक उस खाने पे जिंदे रह सकते हैं, या 60 दिन जितना वो खाना खाते हैं उतना उसके पास खाना है। अब वो क्या कह रहा है कि आफ्टर 15 डेज 500 मैन स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन मतलब 500 आदमी बढ़ गए। 15 दिन तक तो जो थे वो ही रहे, 15 दिन के बाद 500 बढ़ गए। एंड देन द फूड लास्ट फॉर 40 डेज लॉन्गर, 15 दिन चला, फिर 500 बढ़ गए, फिर 40 और चला, तो जो 60 दिन चलना चाहिए था वो 55 दिन ही चला, मतलब 5 दिन पहले खत्म हो गया। हाउ मेनी मैन आर देयर इन द फोर्ट, तो आदमी कितने थे उसमें, तो आदमी कितने आएंगे उसमें। इसके लिए आप पे उसमें खाना टोटल कितना था, टोटल खाना था देखो 60 तो दिन है और एक्स मैन थे ये मान लेता हूं, ठीक है, तो इतनी टोटल डाइट, ये हो गई आपकी टोटल डाइट, टोटल डाइट उसमें इतनी थी। अब वो क्या कह रहा है कि 15 दिन तो इतना ही चले, 15 गुना एक्स तो उतने ही चले, प्लस बाद में क्या हो गया, एक्स में 500 और जुड़ गए, और वो खाना कितने दिन और चला, 40 दिन चला। तो ये खाना और ये दोनों, ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों एक ही चीज कह रही है, इनको इक्वेट कर दो, 60x = 15x, प्लस अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 40x प्लस 5 × 20 और 3 सिफर आगे लग गए, 5 × 20 और 3 सिफर लग गई। अब 60x में से 40 और 15 55x निकलेंगे, तो ये हो गया 5x = 20,000, और इससे मैं काटूं तो ये हो गया 4000, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4000। तो बंदे कितने थे इनिशियली उसके अंदर, 4000 में। नेक्स्ट देखिए, द सीपी ऑफ 2 dozen मैंगोज इज ₹32, कॉस्ट प्राइस दे दी 2 दर्जन की, मतलब 2 दर्जन का मतलब 24 मैंगो मान लो या 2 दर्जन मान लो, उनकी सीपी कितनी है आपके 32। अब वो कह रहे हैं कि सेल प्राइस का क्या सीन है, देखो वो कह रहे हैं कि आफ्टर सेलिंग 18 मैंगोज एट ₹12 पर दर्जन, मतलब 18 मैंगो मतलब 1.5 दर्जन हो गया, और 1.5 दर्जन को कितने में बेचा, ₹12 पर दर्जन, तो ₹18 तो मिल गए। द शॉप कीपर रिड्यूस द रेट एज ₹4 पर डजन, अब बैलेंस कितने बचे आपके पास, भाई 18 बेच दिए तो 24 थे, 6 मैंगो मिला, हाफ दर्जन आपके पास और बचा, और वो आपने बेच दिया ₹4 दर्जन, तो आपके सेल प्राइस कितनी होगी, 20, कॉस्ट प्राइस है 32, तो आपके लॉस परसेंटेज लॉस क्या आ गया इसमें, दोनों का डिफरेंस 12, और हमेशा 32 कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा परसेंटेज, सो से गुणा कर दो, 4 से मैं अगर काटूं, 4 × 3 = 12, 4 × 8 = 32, 8 को अगर मैं करूंगा 12.5, तो 12 × 3 = 36 और 1.5 = 37, 37% को टिक करो और आगे बढ़ो, वो सिंपल है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी एंड बी इज ट्वाइस एज फास्ट सी, द जर्नी कवर्ड बाई सी इज इन 42 मिनट्स विल बी कवर्ड बाई ए इन, तो डिस्टेंस इक्वल है इसमें, एक ही डिस्टेंस है जिसमें सी को 42 मिनट लगते हैं, और आपसे इसने एक ही पूछी है, और क्या दिया है, जो सबसे स्लोएस्ट है उसकी मान लो आप इसकी स्पीड एस है, तो बी की कितनी होगी, ये 3 गुना है तो 3s है, और ए जो है ये बी से भी डबल है तो ये 6s है। अब एस, अब डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम गुणा स्पीड, डिस्टेंस सबकी एक ही है, तो पहले में अगर सी को कितने लगते हैं 42 मिनट लगते हैं, तो सी का 42 मिनट गुणा एस, ए को कितने लगेंगे, जो भी कोई टाइम लगा, टी इंटू 6s, आप इनमें जो कैंसिल आउट होता है उसको काट लीजिए, 6 × 7 = 42, तो उसको लगे 7 मिनट, 7 मिनट को टिक करें और आगे। तो ये था आज का सेशन, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, सेशन अच्छा लगा हो, चैनल अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब नहीं कर पाए प्लीज सब्सक्राइब करें,
फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट्स रेगुलर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।